नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है पूजा आंगन रसोई ब्लॉग चैनल में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज हम बनाने वाले हैं दाल फ्राई। उसके लिए हमने आलू, हरी मिर्च, मसूर दाल, टमाटर, प्याज ले लिया है, अदरक लहसुन भी ले लिया है। तो कढ़ाई हम अपना गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर आलू को फ्राई करेंगे हम। अगर हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं है अच्छा जो दिल कर रहा है हमें चटपटा खाने के लिए, तो कुछ भी नहीं है घर पे, तो हम इससे बना सकते हैं दाल फ्राई। तो सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ में दाल और सब्ज़ी दोनों का ही काम आएगा ये, और टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। आप हमारे तरीके से एक बार बनाकर देखें, रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल मार्केट वाला जो बाज़ार में मिलते हैं सब्ज़ी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए, हमने आलू फ्राई कर लिया है, दाल को धोकर रख लिया है, मसूर दाल है ये, तो इसे भी थोड़ा सा 2 मिनट फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आलू हम अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हमने, तो इसे भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। उसके बाद पानी डाल देंगे। अभी ये फ्राई हो चुका है तो पानी डाल देते हैं। तो आप जैसे बनाना चाहते गाढ़ा या पतला थोड़ा सा, तो अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मैंने 2-3 गिलास पानी डाला है। अभी इसको ढककर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, उबाल आने तक। ये उबाल आ चुकी है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए उबाल हो गया है इसका। तो अभी हम थोड़ा सा नमक और हल्दी इसमें मिक्स कर लेंगे। हल्दी आधा चम्मच हमने डाल दिया है, नमक 1 चम्मच डालेंगे। अभी इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे, आलू गलने तक और दाल गलने तक अच्छी तरह से ढककर हम पकाएंगे 4-5 मिनट तक। तो इसको ढक देते हैं, इसे पकने देते हैं अभी। तो अभी एक बार और चेक कर लेते हैं हम। 4-5 मिनट हो चुका है, तो ये दाल बिल्कुल गल गया है, आलू भी गल गया है। ये देखिए मसूर का दाल गलने में देरी नहीं लगता है, आप कढ़ाई में बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम निकाल कर रख लेंगे। और फिर से हमने कढ़ाई गरम करके तेल डाल दिया है। वह तड़के के लिए हमने थोड़ा सा जीरा डाला है, और ये देखिए सारा कट करके रख लिया हमने। तो अभी प्याज डाल देते हैं इसमें, प्याज को फ्राई करेंगे। हरी मिर्च भी डाल लेंगे थोड़ा सा, इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर घर में कुछ ऐसा सब्ज़ी नहीं है खास सब्ज़ी, तो इसे बनाकर हम खा सकते हैं, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। बिल्कुल होटल जैसे नाश्ते में जो सब्ज़ी बनते हैं वैसे ही बनता है। तो ये अदरक लहसुन थोड़ा सा हमने डाल लिया है कूट कर, इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। अभी अपना मसाला भी हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा। तो ये हमने धनिया पाउडर 1/2 चम्मच डाला है, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने पहले 1/2 चम्मच डाला, फिर 1/2 चम्मच हमने डाला है। ये थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च है 1/2 चम्मच, इसे भी हमने डाल लिया है, इससे कलर अच्छा आएगा। तो इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं हल्की आंच पे। अभी टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर को भूनेंगे अच्छी तरह से। नमक डाल लेते हैं, पहले हमने 1 चम्मच डाला था, अभी 1/2 चम्मच हमने टमाटर गलाने के लिए डाला है। तो आप उसी हिसाब से डालें, नहीं तो तेज़ हो जाएगा नमक। तो इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं, टमाटर गलने तक इसे हम पकाएंगे अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा हम ढक्कन लगा कर इसे पका लेते हैं, टमाटर पक जाएगा अच्छी तरह से। 2-3 मिनट तक हम पका लेते हैं इसे, हल्की आंच पे पकाएंगे दोस्तों, नहीं तो जल जाएगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल टमाटर गल चुका है अच्छी तरह से, पक गया एकदम।
तो धनिया भी हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, खुशबू अच्छी आती है इससे। हरी धनिया हमने फ्राई कर लिया इसके साथ, तो अपने दाल को अभी तड़का लगा देंगे हम, दाल फ्राई को। इसमें आलू भी पड़ा है, सब्जी का भी काम आ जाएगा और दाल का भी, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बनती है। तो ये देखिए हमने रख दिया था निकाल कर इसको, तो इसमें हमने तड़का लगा लिया दाल को, दाल फ्राई हो गया है हमारा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा सा पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, और आलू पड़ा है तो आलू से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो अब ये हमारा उबलने लग गया है, 1 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा आलू को मैश कर देंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी अपना गरम मसाला डाल लेते हैं ऊपर से, गरम मसाला हमने डाल दिया, इसे अच्छी तरह से मिलाकर फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे हल्की आंच पे, मसाले का खुशबू अंदर तक चला जाएगा गरम मसाले का। फिर चेक कर लेते हैं हम, 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए हमारा दाल फ्राई बनकर रेडी हो चुका है, कितना अच्छा गाढ़ा, देखिए गाढ़ापन आ गया है इसमें। आलू थोड़ा सा मैश कर देंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं इसे, आप एक बार और ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए हमारा दाल फ्राई बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी हम निकाल लेंगे इसको। तो अभी निकाल लेते हैं इसे, ये देखिए हमने एक बोल में निकाल लिया है, कितना अच्छा गाढ़ा स्वादिष्ट दाल फ्राई बनकर रेडी हो चुका है, दाल आलू। तो हमारा रेसिपी अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नई रेसिपी लेकर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।